वृंदावन यानी कि ब्रज धाम, जिसके कण कण में कृष्ण समाहित हैं। वृंदावन में अनगिनत कृष्ण मंदिर हैं और हर एक मंदिर की अपनी एक कहानी है, एक रहस्य है। आज हम आपको वृंदावन के एक ऐसे ही मंदिर के रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जो करीब 500 साल से बरकरार है। एक मंदिर जिसमें साक्षात दिखती है प्रभु की लीला और चमत्कार। एक ऐसा मंदिर जिसकी ख्याति बिहारी जी के मंदिर से कम नहीं। एक ऐसा मंदिर जिसमें ठाकुर जी की मनोरम प्रतिमा स्थापित है। ठाकुर जी के इस विग्रह रूप से भी जुड़ा अचरज भरा चमत्कार है। कभी कृष्ण, श्री कृष्ण का नाम गोविंद क्यों है? के दांत नजर आते हैं तो कभी नहीं, पर जो हमेशा दिखाई देती रहती है वो है उनके होठों पर मंद मंद मुस्कान। हम बात कर रहे हैं वृंदावन के राधा रमन मंदिर के बारे में। इस मंदिर में ठाकुर जी की मूर्ति तो एक है, लेकिन उस एक मूर्ति में तीन छवि नजर आती हैं। कभी यह छवि गोविंद देव जी के समान दिखती है, तो कभी यह छवि वक्षस्थल गोपीनाथ जी की भांति नजर आती है, तो कभी चरण मदन मोहन जी के विग्रह रूप के दर्शन राधा रमन जी की प्रतिमा में दिखाई देने लग जाते हैं। अब आते हैं इस मंदिर के मुख्य रहस्य पर। माना जाता है कि राधा रमन जी के मंदिर में 500 सालों से अग्नि स्वतः ही प्रज्वलित है। पौराणिक कथा के अनुसार चैतन्य महाप्रभु के शिष्य गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अपनी भक्ति के बल पर राधा रमन जी के विग्रह रूप को प्रकट किया था। मान्यता है कि जब भगवान प्रकट हुए तब गोपाल भट्ट जी ने उनका भोग बनाने के लिए हवन की लकड़ियों को रख कर मात्र मंत्रोच्चार 108 बार करना क्यों होता है शुभ की शक्ति से अग्नि प्रज्वलित की थी। तब से अब तक वह अग्नि प्रज्वलित ही है। कैसी भी परिस्थिति हो, उस अग्नि को न प्रकृति और न ही कोई मनुष्य बुझा पाया है। आज भी राधा रमन मंदिर में ठाकुर जी का भोग उसी अग्नि पर पकाया जाता है। राधा रमन मंदिर में किसी भी कीमत पर माचिस या अन्य किसी भी ऐसी वस्तु का इस्तेमाल नहीं होता जिससे अग्नि प्रज्वलित की जा सके। मंदिर में धूप जलाने के लिए भी उग्नि का प्रयोग किया जाता है। तो ये था वृंदावन के राधा रमन मंदिर में 500 साल से जल रही अग्नि का रहस्य। उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।